हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेंस। सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बताता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में। दरअसल ये सेक्शन खाली लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अपनी प्रॉपर्टी के एवज में लोन लेना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं जो इस सेक्शन में दिए हैं। फर्स्ट, मॉर्गेज। मॉर्गेज एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेता है एंड उस लोन की सिक्योरिटी के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है लोन देने वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे अगर लोन लेने वाला व्यक्ति कल को लोन चुकाने में असमर्थ रहता है तो दूसरा व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का यूज़ करके उस अमाउंट को प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। सो बेसिकली मॉर्गेज के तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होना। सेकेंड, द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का ही इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। थर्ड, द ट्रांसफ़र मस्ट बी मेड टू सिक्योर अ लोन ऑफ मनी, डेट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, यानी जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है उसका पर्पस किसी लोन या डेट को सिक्योर करना है या कोई ऐसी परफॉर्मेंस को जो किसी पिक्यूनरी लाइबिलिटी से कनेक्टेड हो। यहाँ पिक्यूनरी लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जो मनी के पेमेंट से रिलेटेड हो। सेकेंड डेफिनेशन, मॉर्गेजर। वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करता है लोन या अमाउंट के लिए वो मॉर्गेजर होता है। ध्यान रखिएगा, माइनर के द्वारा प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाना वॉइड होता है। थर्ड, मॉर्गेजी। मॉर्गेजी वो होता है जिसके फेवर में मॉर्गेज किया जाता है। फोर्थ, मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, टोटल मॉर्गेज मनी कहलाता है। फिफ्थ, मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मॉर्गेज का ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आता है, यानी कि मॉर्गेज डीड के बेसिस पर ये प्रूव किया जा सकता है कि मॉर्गेज का ट्रांजैक्शन प्लेस हुआ था। अब इन सब के साथ सेक्शन 70 भी समझना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 70, एक्सेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज होने के बाद उसमें कोई एडिशन होता है तो वो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हाउस एक फ्लोर का बना है एंड उसमें मॉर्गेजर आफ्टर मॉर्गेज एक और फ्लोर बनाता है तो वो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में ही माना जाएगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। छह तरीके के मॉर्गेज होते हैं जो ये हैं। फर्स्ट, सिंपल मॉर्गेज। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर मॉर्गेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर जो लोन अमाउंट लिया है वो नहीं चुका पाता है तो मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी सेल करके उसकी सेल प्रोसीड से जो अमाउंट आएगा उससे अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज को अगर सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर करा लिया जाए तो इसे RM यानी रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी कहते हैं, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज होता है बैंक्स में। एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी का पोजिशन डिलीवर नहीं होता है। सेकेंड, मॉर्गेजर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है टू पे द मॉर्गेज मनी। थर्ड, मॉर्गेजर अग्री करता है कि अगर पेमेंट देने में फेलियर हुआ तो मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी सेल करने का राइट होगा। रेमेडीज टू द मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के पास पेमेंट फेलियर के केस में क्या रेमेडीज होती हैं। पेमेंट के फेलियर के केस में मॉर्गेजी के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट जाके थ्रू प्रोसीजर अपना प्रॉपर्टी सेल करने का राइट एक्सरसाइज कर सकता है एंड जैसे ही डिक्री उसके फेवर में आ जाती है वो प्रॉपर्टी सेल करके अपना प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है। एंड इसके अलावा भी अगर अमाउंट बच जाता है तो वो मॉर्गेजर को वापस रिटर्न हो जाता है। सेकेंड, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर एक कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है कि अगर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मॉर्गेजर ने अपना अमाउंट पे नहीं किया तो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को सोल्ड मानी जाएगी या फिर वो ट्रांजेक्शन एज अ सेल ट्रांजेक्शन ट्रीट किया जाएगा, और अगर पेमेंट कर दिया तो उस सेल कंडीशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा।
एलिमेंट्स। मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी। ऑस्टेंसिबली सेल करने का मतलब कि वो ट्रांजेक्शन जो सेल के जैसा लगता है बट इन एक्चुअल में वो सेल की जगह सिक्योरिटी होती है डेट की। इन केस अगर मॉर्गेजर मॉर्गेज मनी सर्टेन डेट तक पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो वो सेल एब्सोल्यूट सेल मानी जाएगी, और इन केस अगर पेमेंट हो जाता है तो सेल वॉइड हो जाएगी। रेमेडीज टू द मॉर्गेजी। इसमें मॉर्गेजी के पास पेमेंट रिसीव ना होने पर प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने का राइट होता है, जिसको फोरक्लोजर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें ए बी से 10,000 रुपीज लेता है, जो अगर ए ने बी को 3 महीने के बाद एक सर्टेन डेट तक इंटरेस्ट के साथ नहीं लौटाए तो बी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। इस केस में बी को सिंपल मॉर्गेज की तरह कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर ए ने पूरा पेमेंट बी को कर दिया सर्टेन डेट तक तो वो सेल एग्रीमेंट इनवैलिड माना जाएगा। यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज। इसमें यूसुफ्रक्ट का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी लीगली एंड टेम्पररीली यूज करना एंड उससे होने वाले प्रॉफिट अपने पास रखना। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी की पोजेशन दे देता है एंड उससे ऑथोराइज्ड करता है कि वो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जैसे कि रेंट्स एंड प्रॉफिट रिसीव कर सकता है एंड उनसे मॉर्गेज मनी को रिकवर कर सकता है। फिर चाहे वो खाली इंटरेस्ट रिकवर करे या पूरा मॉर्गेज मनी ही रिकवर करे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स। मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन मॉर्गेजी को डिलीवर करता है। मॉर्गेजी जब तक उसका कंप्लीट मॉर्गेज मनी रिकवर नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने मॉर्गेज मनी के बदले उस प्रॉपर्टी से होने वाले रेंट्स एंड प्रॉफिट्स भी रिसीव कर सकता है। थर्ड, मॉर्गेजर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। फोर्थ, मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को फोरक्लोज या सेल के लिए स्यू नहीं कर सकता। फिफ्थ, इस मॉर्गेज में कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं होती रीपेमेंट की। एंड सेवेंथ, मॉर्गेजर मॉर्गेज मनी की फुल पेमेंट के बाद प्रॉपर्टी को रिडीम करने का राइट रखता है, फिर चाहे उसने वो पेमेंट खुद किया हो या रेंट और प्रॉफिट से पेमेंट फुल रिपेड हो गया हो। रेमेडीज टू द मॉर्गेजी। इसमें मॉर्गेजी के पास एक ही रेमेडी होती है, वो ये कि वो जब तक उसका मॉर्गेज मनी दैट इज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर लेता तब तक प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में रख सकता है, और अगर उसके हाथ से किसी कारणवश प्रॉपर्टी का पोजीशन निकल जाता है तो वो स्यू कर सकता है पोजीशन वापस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए एक मॉल का ओनर होता है जिसमें 10 शॉप्स होती हैं एंड वो 20 से 1 करोड़ रुपीज एडवांस लेके ये मॉर्गेज डील फाइनल करता है कि बी उस मॉल को अपने पोजीशन में रखेगा एंड उन शॉप्स के रेंट से अपना अमाउंट रिकवर करता रहेगा, एंड जब अमाउंट रिकवर हो जाएगा तब वो मॉल का पोजीशन वापस ए को दे देगा। फोर्थ, इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता है विथ ऑल राइट्स, इस कंडीशन के साथ कि जब भी वो फुल मॉर्गेज मनी रिटर्न कर देगा तब मॉर्गेजी प्रॉपर्टी रीट्रांसफर कर देगा मॉर्गेजर को। एलिमेंट्स। फर्स्ट, प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है मॉर्गेजी को पोजीशन के साथ। सेकंड, मॉर्गेजर खुद को पर्सनली बाइंड करता है पेमेंट करने के लिए। थर्ड, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस कंडीशन के साथ किया जाता है कि जब भी मॉर्गेज मनी फुल्ली रिपेड हो जाएगा तब ट्रांसफरी या मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर करेगा। अब काफी बार मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के साथ इस मॉर्गेज का कंफ्यूजन होता है, मगर दोनों में दो मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट, कि इंग्लिश मॉर्गेज में एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, जबकि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में ऑस्टेंसिबल सेल होती है, वो भी कंडीशन के साथ कि अगर पेमेंट फेल होता है तो वो सेल एब्सोल्यूट मानी जाएगी। सेकेंड, इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजी के पास इमीडिएट पोजीशन मिलता है जो कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में नहीं मिलता। सिक्स्थ, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और इक्विटेबल मॉर्गेज। इस टाइप ऑफ मॉर्गेज में मॉर्गेजर लोन लेने के लिए खाली अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेजी को सबमिट करता है एज अ सिक्योरिटी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्गेज होता है जिसमें मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट कराना जरूरी नहीं होता बाकी सब मॉर्गेज की तरह।
इसको इक्विटेबल मॉर्गेज या शॉर्ट में ईएम के नाम से भी जाना जाता है। बैंक्स में यूजुअली लोन इसी टाइप ऑफ मॉर्गेज में दिया जाता है। अब इस सेक्शन में इसके एप्लीकेबिलिटी को लेके एक लाइन लिखी हुई है, जिसका मतलब इतना सा है कि ये टाइप ऑफ मॉर्गेज कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे एंड उन सभी जगह पर अप्लाई होता है जहां स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्लीकेबल किया हुआ है। एलिमेंट्स: मॉर्गेजर डिपॉजिट्स टाइटल डॉक्यूमेंट्स टू द मॉर्गेजी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन एडवांस। रेमेडीज टू द मॉर्गेजी: इसमें मॉर्गेजी सूट फॉर सेल में एंटर होके अपना मॉर्गेज मनी रिकवर कर सकता है। सेवेंथ, एनोमलस मॉर्गेज: जो मॉर्गेज किसी भी ऊपर बताए हुए मॉर्गेज की कैटेगरी में नहीं आता वो एनोमलस मॉर्गेज होता है। इस कैटेगरी में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्गेज भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मॉर्गेज एंड यूसुफ्रक्टी मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है एंड वो अपना अमाउंट रिकवर करता है उसमें से जनरेटेड रेंट एंड प्रॉफिट से, एंड साथ में मॉर्गेजर से एक एग्रीमेंट भी हुआ है जिसमें एक सर्टेन डेट के बाद वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी सेल भी कर सकता है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है एंड वो अपना अमाउंट रिकवर करता है उसमें से जनरेटेड रेंट एंड प्रॉफिट से, एंड साथ में मॉर्गेजर के साथ एक एग्रीमेंट ये हुआ है कि एक सर्टेन डेट तक पेमेंट रिकवर नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को सेल मानी जाएगी। सो इस तरह दो मॉर्गेजेस को मिला के एनोमलस मॉर्गेज बन जाता है। सो ये 7 टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस हैं, इन सब के थ्रू एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए जिससे हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं जो अफेक्ट करती हैं आपकी डेली लाइफ को। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।